नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, झारखंड के जो है जैक बोर्ड के लिए एक बड़ी खबर लेकर के आए हैं दोस्तों कि नौवीं में जो है सी ग्रेड वाले जो लाने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, दसवीं में हो सकते हैं फेल, जाने इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, यह जो न्यूज़ छपा है दोस्तों, हिंदुस्तान पेपर से न्यूज़ छपा है यह। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पूरा न्यूज़ हम आपको बताते हैं दोस्तों, ये न्यूज़ है क्या। तो देखिए, नौवीं क्लास में से सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं का जो है मैट्रिक का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इस ग्रेड के छात्र छात्राएं फेल भी हो सकते हैं। नौवीं क्लास ए प्लस, ए ग्रेड और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएं मैट्रिक में सफल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने नौवीं बोर्ड का रिजल्ट जो है ग्रेडिंग के आधार पर 11वीं का रिजल्ट अंक के आधार पर दिया था। 2020 में जो है नौवीं के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को एक, दो या उससे अधिक विषयों में जो है सी ग्रेड मिले हैं। सी ग्रेड 33% से लेकर के 45% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को दिया गया है और नौवीं में जो है पांचों विषय में 40-40 अंक के ऑब्जेक्टिव सवाल OMR शीट पर जो है पूछे गए थे। वहीं जो है आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है, वहीं पर जो है 10-10 अंक इंटरनल असेसमेंट में दिए गए थे और हर विषय में जो है ऑब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट दोनों मिलाकर जो है जिन छात्राओं को 16.5 से लेकर 22 अंक आए होंगे उन्हें जो है सी ग्रेड दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों कि इसमें अगर किसी छात्र छात्रा को थ्योरी पेपर में अगर 40 में से 10 अंक मिला होगा और इंटरनल असेसमेंट में अगर 10 में से 7-8 अंक मिले होंगे तो वह सी ग्रेड पाए होंगे। ऐसे में अब मैट्रिक का जो है रिजल्ट तैयार करने में जितने अंक थ्योरी में दिए गए थे उसके दोगुने अंक मिलेंगे। देखिए दोस्तों, ये अच्छी बात है कि उसके दोगुने अंक मिलेंगे। अगर नौवीं में जो है छात्र छात्राओं को किसी विषय में थ्योरी में 40 में से 9 अंक मिले होंगे और इंटरनल असेसमेंट में जो है 10 में से 8 अंक दिए गए हो तो उन्हें मैट्रिक में थ्योरी पेपर में 16 अंक ही मिलेगा, जबकि स्कूल की ओर से जो है दिए जाने वाले 20 अंक के इंटरनल असेसमेंट में उस विषय में पास करने के लिए कम से कम 17 अंक लाना होगा। इस आधार पर ही उस विषय के छात्र जो है या छात्रा पास हो सकेंगे। प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में इससे कम अंक लाने आने पर वो जो है फेल हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये है इसका पूरा कारण दोस्तों, फेल क्यों होगा। तो स्कूल में बढ़ सकती है पैरवी। जी हाँ दोस्तों, किसी विषय में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को पास करने और अन्य ग्रेड छात्र छात्रा का रिजल्ट बेहतर करने के लिए स्कूल में पैरवी बढ़ सकती है। किसी भी ग्रेड में आने वाले बावजूद वास्तव में कितना अंक मिला इसका ना तो अभिभावकों और ना ही छात्र छात्राओं को पता है। इसमें थ्योरी में कितना अंक आया है और इंटरनल असेसमेंट में कितना मिला है इसकी भी जानकारी जो है नहीं है। ऐसे में मैट्रिक परीक्षा में छात्र छात्राएं जो है पास कर जाएं, उन्हें स्कूल से इंटरनल असेसमेंट में प्रैक्टिकल से ज़्यादा अंक मिले हैं, इसके लिए स्कूलों में दबाव हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, आगे हम लोग देखें तो इस न्यूज़ में कि स्कूल को तैयारी शुरू करने का निर्देश। देखिए, राज्य के हाई स्कूल प्लस टू स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल की तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है। जैक की ओर से सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में शनिवार को इसके निर्देश दिए गए हैं। जैक की ओर से कहा गया कि अगले 2-3 दिनों में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। जब तक स्कूल इंटरनल असेसमेंट की तैयारी शुरू कर ले, छात्र छात्राओं को नौवीं से लेकर दसवीं तक के आधार पर जो है आंतरिक मूल्यांकन किया जाना है। दस्तावेज के आधार पर जो है इसकी तैयारी शुरू की जाए ताकि गाइडलाइन जारी होने के बाद एक निश्चित समय सीमा निर्धारित किए जाने के बाद पूरा किया जा सके। स्कूल को नौवीं के सभी छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल, जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आंतरिक मूल्यांकन पर जैक को जो है अंक उपलब्ध कराना है और जिन छात्राओं का प्रैक्टिकल नहीं हो सका है उसके लिए भी शेड्यूल जारी किया जाएगा। एक निश्चित समय सीमा के अंदर वैसे छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाकर उनका प्रैक्टिकल लेना होगा। इसमें जो है कोविड से संबंधित गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा। देखिए, नौवीं का जो है ग्रेडिंग सिस्टम क्या था दोस्तों, कि ग्रेड ए प्लस अगर यदि 80% से अंक ज़्यादा है तो उसको ग्रेड ए प्लस मिलेगा, 60 से 80% रहेगा तो ग्रेड ए और 45 से 60 रहेगा तो ग्रेड बी। इस तरह दोस्तों ग्रेडिंग सिस्टम था नौवीं क्लास में। तो इस तरह इस आधार से दोस्तों हो सकता है झारखंड में जैक बोर्ड रिजल्ट जारी करने जा रहा है दोस्तों।
हो सकता है 10वीं क्लास में आप फेल हो सकते हैं अगर ये सीक्रेट लाए हैं तो। चलिए दोस्तों, बड़ी न्यूज लेकर के आएंगे दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।